डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो हमने नए साल के लिए बनाया है। देखिए, हिंदू संस्कृति के हिसाब से दीपावली के पर्व के बाद हमारा नया वर्ष शुरू होता है, इसलिए हम उसको नूतन वर्षा अभिनंदन भी कहते हैं। सो ये नूतन वर्ष जो वर्ष 2079 मतलब 2079 ये वर्ष चालू हो रहा है, आपको दिवाली के पटाखे के भी आवाज़ आ रहे हैं। अब ये जो हमारे हिंदू वर्ष होते हैं वो संवत्सर से होते हैं, और यह जो संवत्सर है वो हमारा आनंद संवत्सर है। जो संवत्सर होते हैं 60 संवत्सर है, हर एक संवत्सर का उसके नाम के अनुसार फल होता है। तो इस साल जो है वो आनंद संवत्सर करके है। पूरे वर्ष का मालिक गुरु महाराज है, तो आप सोच सकते हैं कि इस साल धार्मिक आयोजन, ज्ञान और विज्ञान, इसकी ही बात और चर्चा होने वाली है। धातु में इस साल कॉपर जो है, कॉपर जिसे हम तांबा कहते हैं, सोना मतलब के गोल्ड और सिल्वर मतलब चांदी, ये सब महंगे होंगे। साल भर में इसकी कीमतें बहुत ही बढ़ेगी। जो कोई रोज़मर्रा की खाने की चीज़ है, जैसे हम कहते हैं गेहूं, चावल, उड़द और मूंग, ये हर घर में उपयोग आने वाले अनाज है, ये सारे भी महंगे होने वाले हैं। इस साल बारिश बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आनंद जो आनंद संवत्सर है इसमें बारिश काफ़ी अच्छी होती है, फसल बहुत अच्छी पकती है। बट बहुत सारे अचानक आकस्मिक घटनाएं या बीमारी अकस्मात भी हो सकते, तो ये भी आपको देखना है। गाय का जो दूध होगा, क्योंकि गुरु महाराज साल के वर्ष है और आनंद है, तो गुरु महाराज जो है वो गाय का दूध जो है वो एक काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। जो गाय के प्रोडक्ट होते हैं, काउ प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं या मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं, ये काफ़ी अच्छे बढ़ने वाले। राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों जगह पे कुछ ना कुछ बीमारियाँ या कष्ट या जो हम कहते हैं नैसर्गिक घटनाएँ होने जा रही है। अब देखिए, तो साल का जो राजा है वो बुध है, सो व्यापारी लोग जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। पानी का जो सप्लाई है वो बहुत अच्छा होगा, साल भर में बारिश कहे या पानी का सप्लाई कहे, फसल अच्छी आएगी, हर जगह ग्रीनरी होगी, फ्रूट्स वगैरह ये सब बहुत अच्छे आएंगे, इसलिए मर्क्यूरी जो ग्रीनरी का है। अब इस साल का सेनापति भी गुरु महाराज ही है, सो धार्मिक आयोजन बहुत होंगे। पीली चीज़ें जो होगी वो थोड़ी महंगी होगी, ये आपको एक ध्यान देना है। और जो घी और तेल है जो गुरु के अंदर आते हैं, वो भी चीज़ें थोड़ी महंगी होगी। और रसेस, साल का जो पूरे साल भर जो रस उत्पन्न करने वाला ग्रह वो मंगल है, सो लाल कलर की जो दाल है, प्रोडक्ट है, धातु से सबल लोहा, खास करके मंगल में लोहा आता है, उसमें ज़्यादा कीमत बढ़ सकती है, तो ये सारा साल का है। अब हम देखेंगे कि साल में मुख्य घटना में 5 बड़े ग्रहण होने वाले। अब इस साल आपको कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाला है, कुल 5 ग्रहण है, 3 चंद्रमा के हैं और 2 हमारे सूर्य के, दोनों ही सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाले। पहला ग्रहण 8 नवंबर को जो कार्तिक पूर्णिमा है उसी दिन लगने वाला है, जो भारत में भी देखने वाला है। और खग्रास चंद्र ग्रहण है जो मेष राशि में होने जा रहा है, सो मेष राशि वालों को प्रारंभ में ही साल के 15 दिन में ही ये एक चंद्र ग्रहण का असर होने वाला है। इसके बाद 20 अप्रैल 2023 के दिन, उस दिन भी आपका चैत्र अमावस जो होती है, उस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है, खग्रास सूर्य ग्रहण, वो भी मेष राशि में होने वाला है पर भारत में नहीं दिखने वाला है। तीसरा ग्रहण है वो वैशाखी पूर्णिमा जो है, वैशाख मास में पूर्णिमा है, 5 मई 2023 को होने वाला यह ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण है, और वो तुला राशि में होने वाला है, जो भी भारत में दिखने वाला है। चौथा ग्रहण जो 14 अक्टूबर 2023 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जो हम आसो मास की नवरात्र के बाद जो पूर्णिमा लगती है, वो भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन ये लगने वाला है, अमावस है, सॉरी माफ कीजिए, 14 अक्टूबर को भाद्रपद के पितृ अमावस को, इसके बाद शरद पूर्णिमा आएगी, भाद्रपद की पितृ अमावस जिसको सर्व पित्रा मास भी कहते हैं, उस दिन लगने वाला है, वो कन्या राशि में होने वाला है। और ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है, यह भी भारत में नहीं दिखने वाला है। और इसके बाद जो है
वो शरद पूर्णिमा के दिन, अश्विनी मास की पूर्णिमा के दिन 28 की रात को 29 तारीख को अक्टूबर को 2023 को जस्ट 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है और जो भी मेष राशि में होने वाले। तो साल में मेष राशि में चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, सो मेष राशि वालों के लिए इतना अच्छा समय नहीं है। तीनों जो चंद्र ग्रहण है आप कहें तो 8 नवंबर का चंद्र ग्रहण है आपके लिए, दूसरा आपको वैशाखी पूर्णिमा का 5 मई को ग्रहण है और फिर शरद पूर्णिमा का है। तीनों ग्रहण भारत में दिखने वाले तीनों चंद्र ग्रहण है, सो ग्रहण के असर भी असर पड़ेगी। साल में बड़े ग्रहों में परिवर्तन में पहले ही जनवरी में 17 जनवरी में शनि महाराज जो है वो मकर में से कुंभ राशि में आ जाएंगे, वर्ष तक वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। गुरु महाराज 22 अप्रैल को मीन राशि में से अपने घर में से निकल के मेष राशि में चले जाएंगे और लास्ट में राहु महाराज साल के आखिर में 30 अक्टूबर 2023 को जिस दिन ग्रहण है, 29 अक्टूबर को ग्रहण है चंद्र ग्रहण, उसके दूसरे ही दिन 30 अक्टूबर 2023 को जो राहु महाराज है वो मेष राशि छोड़ के मीन राशि चले जाएंगे और केतु महाराज जो है वो तुला राशि छोड़ के आपके कन्या राशि आ जाएंगे। तो ये साल के बड़े ग्रहों का परिवर्तन है, बाकी हर महीने सूर्य चंद्र बुध और मंगल शुक्र है वो तो बदलेंगे ही अपनी राशि और मंगल भी बदलेंगे। विशेषता सभी राशियों के लिए थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे मेष राशि है, मेष राशि को साल भर में अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है क्योंकि साल भर तक राहु आपके लग्न में ही रहने वाला है और गुरु महाराज 12वें भाव में रहने वाले हैं, तो आर्थिक चीज़ों में आपको खास संभालना है, नुकसान ना हो जाए, गिनती बराबर से करनी है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में और आपके धन के बारे में देखना है या आकस्मिक घटनाओं के बारे में। वृषभ वालों के लिए 12वें भाव में राहु आकस्मिक खर्च का बंधन का योग बन सकता है और इनके लिए नए करियर के लिए कोई नया भाग्य के अनुसार कार्य करना है तो बहुत अच्छा समय है। मिथुन राशि वाले के लिए बात करें तो उनके लिए ये भाग्य के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि शनि महाराज भाग्य स्थान में आ रहे हैं। कोई भी धार्मिक और आध्यात्मिक घटनाएं करनी है, विदेश भ्रमण करना है तो आपके लिए अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा है, मेष राशि वाले के लिए अच्छा नहीं था। कर्क राशि वाले के लिए भी ये इतना अच्छा नहीं है कि शनि महाराज अष्टम भाव में आ रहे हैं, सो आपके लिए जो करियर रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। दशम भाव में आपका जो राहु महाराज वर्ष तक बैठने वाला है वो आपको इसमें तकलीफ दे सकता है। यदि व्यापार में बदलाव या नौकरी में बदलाव करना चाहते तो रुक जाइए, अक्टूबर के बाद करें, तब तक कोई बड़ा फैसला अपने करियर के बारे में ना लें। सिंह राशि वाले के लिए देखें तो उनके लिए ये लग्न जीवन में बड़ी स्ट्रगल और तकलीफ वाली बात है क्योंकि शनि महाराज शुरुआत में आखिर 3 महीने के अंदर ही आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। राहु महाराज है वो भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, इसलिए इस प्रकार से आपको थोड़ा कष्टदायक शारीरिक कष्ट का समय एंड एवरेज समय कह सकते हैं, इतना अच्छा नहीं है। बात करें कन्या राशि वालों के लिए तो कन्या राशि के लिए यह आर्थिक तौर पे काफ़ी अच्छा है, जो भी आर्थिक आयोजन करना है बहुत अच्छा समय है और अपने रिलेशन भी सबसे बढ़ाने हैं, विद्याभ्यास है, कार्यक्रम है, वो सब में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। बात करते तुला वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए ये करियर ग्रोथ का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अगर कोई भी कार्य करते हैं या करना चाहते हैं नया कार्य तो आप जरूर आरंभ करें, बहुत अच्छा है। और साथ साथ में आपको जो कोई भी पुराने तकलीफें, जो पुरानी तकलीफें उसमें से भी मुक्ति मिल सकती है, इसलिए आप अपने पुरानी चीज़ों में से भी मुक्त हो जाएंगे और आपकी शांतिपूर्वक जीवन रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए बात करें तो उच्च ब्याज के लिए काफ़ी अच्छा योग है, अगर आप उच्च ब्याज करना चाहते या कोई भी रिलेशन में आप कोई है तो उसमें संभालिए, रिलेशन में कुछ ब्रेकअप हो सकता है या व्यवहार में किसी के साथ मन मोटाव हो सकता है तो आप अपना दिमाग शांत रखें। धनु राशि वाले के लिए अगर बात करें तो अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज़ें करनी है तो काफ़ी अच्छा समय है और ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, रिलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए, पुराने लोगों से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा समय है।
मकर राशि वालों के लिए बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ये अपनी आप में बदलाव लाने का बहुत अच्छा समय है। पैसों के लिए आयोजन अच्छे से होंगे। स्वास्थ्य संबंधी जो पुरानी तकलीफ है उसमें से काफ़ी अच्छा मिलेगा और जो इनकम है वो आपको लगेगा कि धीरे धीरे जनरेट हो रही है, पर ये एक स्लो एंड स्टडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बन रहा है, एक अच्छा आपके लिए आर्थिक आयोजन बनने जा रहा है। सो इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है, आप बिल्कुल निश्चित रहे। कुंभ वालों के लिए यदि बात करें तो ये एक शारीरिक या मानसिक तनाव का समय हो सकता है। थोड़े कार्य विलंब से हो जाएंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और जो नए कार्य करने हैं उसके पीछे ज़्यादा लगना पड़ेगा, थोड़े ज़्यादा श्रम करने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा। सो आपको थोड़ी दौड़ा भागी थोड़ी विशेष हो सकती है। आखिर में बात करें मीन राशि वालों के लिए तो उनको स्वास्थ्य के संबंधी अच्छा फल है। यदि स्वास्थ्य के बारे में कोई पुरानी तकलीफ है उसमें से मुक्ति मिल सकती है। पैसे से संबंधित अच्छा कार्य हो सकता है। मैरिज, यदि शादी नहीं हो रही है, शादी में कोई दिक्कत चल रही है तो आपके लिए अच्छा है और विद्या अभ्यास के लिए भी अच्छा योग बन रहा है। तो इस तरह से पूरे साल में आप देखें तो आनंद संवत्सर है, वो एक आनंद का माहौल लाएगा। साल में जो अप्रैल से लेके आप देखेंगे कि गुरु और राहु का अप्रैल से लेके अक्टूबर, ये 6 महीने गुरु राहु चंडाल योग है, सो एक आर्थिक मंदी का यहाँ पे उल्लेख हो रहा है। इसलिए आप सभी को भी इस समय पे अपने आप में ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आर्थिक आयोजन करते हैं वो संभाल के कीजिए, कोई ऐसे फिजूल के खर्च ना उठा ले ताकि आगे जाके आपको तकलीफ हो। देखिए खर्च करने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं हमें, आज जगह जगह पे देखें आप खर्च कर सकते हैं, पर पैसा कमाने का तरीका बहुत कम हो रहा है, बहुत कम बच रहा है। तो इसलिए जितना आपके पास आर्थिक आयोजन है उसी के अनुसार आप अपने खर्चे रखिए और साल भर में शायद कुछ ना कुछ या धान की या अन्य की कहीं तो भी कमी हो सकती है, तो अपने आप में ससज्ज रहे और आपको जीवन में तकलीफ़ ना हो, कष्ट ना हो, ऐसा साल भर का आयोजन अभी से कर ले। इसी के लिए ये साल का नए साल का वीडियो हिंदी वर्ष के हिसाब से 2079 वर्ष जो चालू हो रहा है, 2078 ख़त्म हुआ और 2069 अभी चालू होने जा रहा है। सो यह साल जो आनंद आदि संवत्सर के हिसाब से गुरु के अंतर्गत हो रहा है, सो सभी के लिए विद्या प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय, नए संबंध बनाने के लिए अच्छा समय है। आपको कोई भी धार्मिक आयोजन करना है, सामाजिक आयोजन करना है, इसका अच्छे से प्लानिंग करें और इसी के साथ आपका वर्ष अच्छा जाए ऐसी शुभकामना करता हूँ। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम में धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो यदि आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो है वो दिखाइए, फैलाइए ताकि उनको भी साल भर में क्या प्लानिंग करनी है वो पता चले, उनका भी आयोजन अच्छे से हो। धन्यवाद, नमस्कार।